आज से 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका। कोविन पोर्टल पर अब तक 7 लाख से ज्यादा बच्चों का हुआ रजिस्ट्रेशन। बच्चों के लिए शुरू हो रहे टीकाकरण में स्वदेशी वैक्सीन को वैक्सीन का इस्तेमाल होगा। भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को बनाया है। देश में 15 से 18 की उम्र के बच्चों की संख्या करीब 10 करोड़ है। पीएम मोदी ने 25 दिसंबर को बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू करने का ऐलान किया था। वैक्सीन के लिए ऑन स्पॉट भी करवाया जा सकता है रजिस्ट्रेशन। आधार कार्ड नहीं होने पर 10वीं के आईडी कार्ड के जरिए भी रजिस्ट्रेशन होगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत हुई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन और प्रिकॉशन डोज पर करना होगा हमें फोकस। स्वास्थ्य मंत्रालय का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश, वैक्सीन की कितनी डोज की जरूरत है जिलावार लिस्ट दी जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को दुनिया में सबसे कामयाब बताया। 90% योग्य लोगों को पहली डोज और 65% लोगों को लग चुकी है दूसरी डोज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के जिला अस्पताल जाएंगे, बच्चों के वैक्सीनेशन का जायजा लेंगे। बच्चों के वैक्सीनेशन पर सीएम योगी की अपील, देश प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए टीका जरूर लगवाएं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आज पटना के IGIMS जाएंगे, टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में बच्चों के वैक्सीन का डर दूर करने के लिए खास तैयारी, कोविड सेंटर में किताबें और म्यूजिक आइटम्स, बच्चों को दिए जाएंगे गिफ्ट। मुंबई के BKC कोविड सेंटर पर 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। सेंटर पर 3,208 बेड उपलब्ध हैं। BKC कोविड सेंटर पर हर दिन 500 बच्चों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य है। 25-25 के ग्रुप्स में टीका लेने आएंगे बच्चे। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के वैक्सीनेशन की करेंगे शुरुआत। 8,33,000 बच्चों को वैक्सीन डोज देने का टारगेट है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोविड टास्क फोर्स के साथ की बैठक, बच्चों के वैक्सीनेशन और कोरोना के हालात पर चर्चा हुई। कर्नाटक में पहले दिन 6 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। राज्य में 31 लाख से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण होना है। गोवा में 15 से 18 साल के 72,000 बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका। 4 दिन में सभी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य है। अंबाला के चिकित्सा अधिकारी का बयान, स्कूलों में लगेगा बच्चों को कोरोना का टीका। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या 1700 के पार। एक महीने में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचा नया वेरिएंट। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 50 नए केस मिले। सूबे में ओमिक्रॉन के अब कुल 510 केस हैं। केरल में ओमिक्रॉन के 45 नए केस मिले। कुल 152 लोग अब ओमिक्रॉन से पीड़ित हैं। ओडिशा में ओमिक्रॉन के 23 नए केस मिले। प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब कुल 37 मामले हैं। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 5 नए केस के साथ सूबे में अब तक 84 लोग इस वेरिएंट से पीड़ित हैं। देश में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल। एक दिन में 33,703 नए केस मिले। 24 घंटे में 116 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस आए। 24 घंटे में कोरोना से 11,877 लोग संक्रमित मिले, 9 की मौत। मुंबई में कोरोना के 8,063 नए केस मिले। 24 घंटे में किसी की जान नहीं गई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 3,194 लोग संक्रमित मिले। कोरोना के कुल एक्टिव केस 8,397 हैं। दिल्ली में कोरोना विस्फोट पर बोले सीएम केजरीवाल, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार तैयार है। केजरीवाल की दिल्ली वालों को सलाह, मास्क लगातार लगाते रहें, पहनते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। बंगाल में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 6,153 लोग पॉजिटिव मिले। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 2,802 लोग संक्रमित मिले, 12 की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 1,594 नए केस मिले, 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 1,187 लोग संक्रमित मिले, 6 मरीजों की जान गई। गुजरात में कोरोना के 968 केस आए। सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 404 पॉजिटिव केस मिले। ओडिशा में कोरोना के 424 नए केस मिले, पिछले 2 महीने में पहली बार इतने ज्यादा केस आए हैं। बिहार में कोरोना के 352 नए केस आए। राज्य में 1,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पटना के NMCH अस्पताल के और 75 जूनियर डॉक्टर पॉजिटिव मिले। कुल 87 जूनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके जानकारी दी। सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से बात की, कोरोना से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की। सोनिया गांधी के फोन आने पर बोले बघेल, ओमिक्रॉन संक्रमण पर सोनिया गांधी ने चिंता जाहिर की, टेस्टिंग के बारे में जानकारी ली। मिजोरम में कोरोना के 84 नए केस, 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में 13 छात्र मिले पॉजिटिव, बंद किया गया यूनिवर्सिटी कैंपस। नैनीताल के जवाहर नवोदय विद्यालय के 85 छात्र कोरोना पॉजिटिव है, सभी को आइसोलेट किया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर में एक शराब की दुकान को किया सील, कोविड नियमों के उल्लंघन के बाद हुई कार्रवाई। कोरोना पर बंगाल सरकार का फैसला, सभी शैक्षणिक संस्थान, स्पा, सैलून और मनोरंजन पार्क आज से बंद। आज से बंगाल में सभी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ काम की इजाजत। प्रशासनिक बैठकें वर्चुअली की जाएंगी। 5 जनवरी से सिर्फ सोमवार और शुक्रवार को बंगाल से दिल्ली और मुंबई के बीच चलेंगी फ्लाइट्स। कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। राजस्थान में बड़ी पाबंदियां, नई गाइडलाइंस के मुताबिक रैली और शादी समारोह में 100 लोग ही कर सकेंगे शिरकत। जयपुर में पहली से आठवीं तक का स्कूल 9 जनवरी तक बंद। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के बाद लिया गया फैसला।
हरियाणा सरकार ने विश्वविद्यालयों में फिजिकल क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। हॉस्टल के छात्रों को कोविड नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। चंडीगढ़ में 50% क्षमता के साथ खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट। फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही शादी में जाने की इजाजत होगी। तमिलनाडु में होम आइसोलेशन वाले कोरोना मरीजों का वर्चुअली होगा इलाज। प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट में आज से 2 हफ्ते तक वर्चुअली होगी सुनवाई। कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण की वजह से ब्रिटेन सरकार का फैसला। सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के भाषणों के संग्रह का विमोचन करेंगे। सीएम योगी विधानसभा के सेंट्रल हॉल में कुछ तस्वीरों का भी विमोचन करेंगे। विधानसभा सचिवालय ने किया है कार्यक्रम का आयोजन। आज मेरठ दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जगदीशपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बस्ती के दौरे पर होंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नड्डा लखनऊ में जनविश्वास यात्रा में होंगे शामिल। लोगों को भी संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी पर फिर बोल सकते हैं हमला। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर जैन समुदाय के लोगों को टारगेट करने का आरोप लगाया। काबू अल्पसंख्यक समुदाय से हैं इसलिए मैं उनके यहाँ छापा मारा गया। लखनऊ में अखिलेश यादव ने निकाली विजय यात्रा। रेड पर कहा जो पैसा निकला है वो बीजेपी का है। पहले गलती से पी जैन पर छापा मार दिया था। अखिलेश ने योगी पर साधा निशाना। कहा सिर्फ वाहवाही में छापे मार रहे हैं। अल्पसंख्यकों को डराने की है ये कोशिश। अगला लखनऊ के गोसाईगंज में अखिलेश यादव ने परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा हमारी सरकार ने शुरू किया था विकास का मॉडल। मेरठ को मोदी का न्यू ईयर गिफ्ट। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। 700 करोड़ से बनकर होगा तैयार। पीएम मोदी ने कहा पहले की सरकारों में माफिया खेल खेलते थे। योगी सरकार अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। पीएम मोदी का पहले की सरकार में कानून व्यवस्था पर तंज। कहा पहले बेटियों पर कसी जाती थी फप्तियां, अब बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। पीएम मोदी ने कहा जो पहले सत्ता में थे उन्होंने किसानों को गन्ने का मूल्य तरसा कर दिया। योगी सरकार ने सबसे ज्यादा भुगतान किया। प्रधानमंत्री ने पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार पर तंज कसा। कहा योगी सरकार में चीनी मिलें बंद नहीं होती थी। योगी सरकार में मिलों का विस्तार होता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज देहरादून जाएंगे। पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के सीएम धामी ने पिछली सरकारों के ऊपर साधा निशाना। कहा पहले सिर्फ शिलान्यास होते थे, लोकार्पण नहीं। देहरादून में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड के हर क्षेत्र में विकास हुआ है। चंडीगढ़ नगर निगम में कांग्रेस से निष्कासित पार्षद देवेंद्र बबला और उनकी पत्नी बीजेपी में शामिल हुई। नगर निगम में बीजेपी को हुई 14 सीटें जीती हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी को दी सलाह। कहा गोवा और त्रिपुरा के बजाय बंगाल के विकास पर फोकस करें। शिवसेना सांसद संजय राउत का तंज। 12 करोड़ की गाड़ी पर चलने वाले पीएम मोदी खुद को फकीर नहीं कह सकते। राहुल गांधी का ट्वीट। गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है। मोदी जी चुप्पी तोड़ो, चीन को जवाब देना होगा। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का बयान। उद्धव ठाकरे को स्वस्थ होने में लग रहा है समय, तो एकनाथ शिंदे को ही सीएम की जिम्मेदारी सौंप दें। दिल्ली विधानसभा का 2 दिन का सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां। सीएम बिप्लब देव ने तैयारियों का जायजा लिया। पीएम कल मणिपुर त्रिपुरा का दौरा करेंगे। 22 परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। जम्मू कश्मीर के सांबा में निर्माणाधीन ब्रिज गिरा। 27 मजदूर जख्मी हुए। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे की जांच में जुटा है प्रशासन। आपसी झगड़े में एक शख्स ने अपने पड़ोसी के घर में आग लगा दी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम की है ये घटना। पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स ने खुद को की पिटाई का आरोप लगाया। कहा मुझे फंसाया गया, जांच में जुटी है पुलिस। न्यू मैक्सिको में ट्रॉम कार में फंसे 21 लोगों का रेस्क्यू किया गया। सभी को रस्सी के सहारे नीचे उतारा गया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। केबल पर बर्फ होने की वजह से फंस गई थी ट्रॉम कार। सूडान के पीएम अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दिया। देश में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच पद छोड़ दिया है। सूडान में लोकतंत्र समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प। 2 प्रदर्शनकारियों की जान गई। भीड़ को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। नीदरलैंड्स में लॉकडाउन नियमों के खिलाफ प्रदर्शन। करीब 10,000 लोग शामिल हुए। अमेरिका में फ्लाइट कैंसिल होने और देर से चलने के मामले बढ़े। छुट्टी बिताने गए पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ी। आज से भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच। जोहान्सबर्ग के वांडर्स स्टेडियम में होगा मुकाबला। भारतीय समय के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा मैच। इस सीरीज में भारत 1-0 से पहले से ही आगे है। कोच राहुल द्रविड़ ने विराट को बताया शानदार कप्तान। का विराट की वजह से टीम का मोराल हाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट के नहीं आने पर राहुल द्रविड़ ने जवाब दिया अपने 100वें टेस्ट से पहले मीडिया से होंगे मुखातिब। साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला का बयान। डिकॉक के जाने से हमारी बैटिंग लाइनअप कमजोर हुई। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका टीम का ऐलान। तेज गेंदबाज मार्को यानसेन डेब्यू करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैग्रा कोरोना संक्रमित। एशिया सीरीज के कमेंट्री पैनल का हिस्सा है मैग्रा।
अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी समेत 4 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। मेसी को फ्रेंच कप में खेलना था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।